कुछ भाग बनाते समय क्या करना चाहिए, ये हमारी एमसीबी पीसीबी पे हीट सिंक पेस्ट लगा है। जब हमारी एमसी पीसीबी जलती है तो उसको ठंडा करने के लिए, कूलिंग करने के लिए पेस्ट लगाना अनिवार्य है। देखिए हम पेस्ट कैसे लगा रहे हैं। देखिए हल्का सा लेकर सारे को अच्छी तरह से लेप लगा देना है, नहीं तो जलते जलते गर्म होकर इसके जो इसमें छोटे छोटे लाइट लगी रहती है वो चली जाएंगी। आइए आगे चलते हैं। देखिए सारे पे पेस्ट लग गया है। ये 12 वाट की एमसीबी पीसीबी है। देखिए हमारा हीट सिंक पेस्ट है, 500 ग्राम का डब्बा है। ये एमसीपीसीबी को ठंडा करने के लिए रहता है जिससे उसकी लाइफ बढ़ जाती है। देखिए हमारा 12 वाट का हाउसिंग बॉडी है। अब इसमें हम 12 वाट की एमसीपीसीबी कसेंगे। ये हमारी स्क्रू ड्राइवर की मशीन है, इसको हम स्क्रू लगा कर टाइट कर देंगे। इसमें अच्छी तरह से टाइट करना है, ना कि लूज रहे। ये हमारी अच्छी तरह से टाइट हो गई। देखिए आप लोगों से अनुरोध है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, क्योंकि ऐसी ऐसी वीडियो हम लाते रहते हैं। आगे भी ऐसी वीडियो लाएंगे, इसके जो पार्ट बचेंगे अगली वीडियो में लाएंगे। देखिए हमारा अच्छी तरह से टाइट हो गया। ये हमारा खुद का ब्रांड है, हम खुद बनाते हैं इसको। ये देखिए ये हमारा डिफ्यूजर है, 12 वाट का, 9 वाट का, 7 वाट का। ये हमारी स्क्रू है, ये स्क्रू ड्राइवर मशीन है। रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों चलता है। पेच को टाइट भी की जाती है और पेच खोलती भी है। ये इसका बॉक्स है। देखिए ये बी ट्वेंटी कैप को बैठाने वाली आगे मशीन है। ये हम पहले बी20 कैप इसमें डालेंगे, दोनों वायर बाहर निकालेंगे। ये अच्छी तरह से निकाल लेंगे। देखिए हमारा निकल गया, इसको साइड से थोड़ा थोड़ा मोड़ देंगे। देखिए उसमें लगाए, थोड़ा सा घुमाए, बस बैठ गया। ये हमारा बी20 कैप उसमें टाइट हो गया। देखिए उसके बाद बी20 कैप बैठाने के बाद इसकी हम टिक्की लगा लेंगे। ये सारे 12 वाट के एलईडी बल्ब हैं। ये टिक्की फिटिंग मशीन थी।
उसकी भी वीडियो हम बना कर रखे हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, हमारी सारी वीडियो आप देख सकते हैं। ये देखिए सारा माल 12 वाट का है अभी तो फिलहाल बना। ये देखिए 12 वाट आलोक लाइट्स, 12 वाट 6500 के वाइट वाला है। मल्टी कलर का भी बनाए हैं जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं।